भूल गए। 30 अक्टूबर 2011 की शाम लाहौर में नए पाकिस्तान के चंद चढ़ाते वादे सब भूल गए। 30 मई 2017 200 माशी माहिरीन की दुनिया की मानी हुई टीम को सब भूल गए। 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर सब भूल गए। 17 अगस्त 2018 कौम के दिमाग छोटे रह गए हैं की दुहाई सब भूल गए। कश्मीर का सौदा हो गया, जनूबी पंजाब बनेगा सूबा सब भूल गए। वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक बनेगी यूनिवर्सिटी सब भूल गए। जैनब अलर्ट बिल, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 350 डैम बनाऊंगा जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी सब भूल गए। जनाब स्पीकर, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा सब भूल गए। जनाब स्पीकर, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ये तसलसल है, क्योंकि ये तसलसल है 2014 में मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ धरने का, यह तसलसल है 2017 में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को उस कानून पे ना अहल करो जो 2021 में पास होता है 10 जून 2021 को। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से हटाओ। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को साकिब निसार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके एक पार्टी को 2018 में RTS को बिठाकर नालायक नाअहल झूठे टोले को मुसल्लत करो। यह तसलसल है 2018 से लेकर 2019 में तमाम ऑपोजिशन बेंचेस को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, मीडिया हाउसेस को बंद करो, मीडिया वर्कर्स के चूल्हे बंद करो, पार्लियामेंट को ताला लगाओ। और अब जनाब स्पीकर, 2 साल 10 माह 7 दिन की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला, और दिन रात सुबह शाम एक कर दी गई। लेकिन 2 साल 10 माह 7 दिन में 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लाख गुर्बत की लकीर से नीचे जनाब स्पीकर, 13,000 का तारीखी कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली और गैस के बिलों में 60 से 100% इजाफा, आटे की कीमत में 150% इजाफा, बच्चों के दूध की कीमत में 31% इजाफा, दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा, चीनी 2018 में 52 रुपए की, और चीनी कमीशन की इंक्वायरी के दरमियान हम सब ने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आवाम ने 2 माह 10 महीने और 7 दिनों में टमाटर और अदरक 700 रुपए किलो खरीदे। जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे अखबारात और चैनल पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सहाफियों पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सिविल सोसाइटी का गला घोटा गया, इस पार्लियामेंट का गला घोटा गया, ऑपोजिशन का गला घोटा गया। जनाब स्पीकर, आज हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, जब ये बजट आया तो मैंने सोचा कि इस बजट में एक नए कारीगर को लाया जा रहा है, कोई नई फनकारी होगी, कोई नई चमत्कारी होगी, क्योंकि बड़ा नाम मार्केट में दस्तयाब वजीर कारीगर को लाया गया। और जब मुझे और मैंने हमने ये सोचा था कि इस दफा इस बजट के ऊपर मस्बत तकरीर करके पाकिस्तान की आवाम के सामने वो तमाम चमत्कारियों और फनकारियों को लाया जाए, लेकिन जनाब स्पीकर, 16 जून की बजट की किताबों की मार खाकर, गालियां खाकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। और जनाब स्पीकर, मुझे पता चला कि क्यों उन्होंने हमें बजट की किताबें मारी,
क्यों उन्होंने हमें ऐवान में गालियां दी? क्योंकि हमारी चीखों में उन खवातीन, बच्चियों, बुजुर्गों की चीखें दब जाएं जो अपने अंगूठों पर अन मिनट से हाई लगाकर रमजान में कतारों में खड़े होकर 20 रुपए किलो, एक किलो चीनी के ऊपर 20 रुपए बचाने के लिए घंटों कतारों में खड़ी हुई हैं। उनकी चीखें दब जाएं, उनकी चीखें दब जाएं जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं। और जनाब स्पीकर, कमाल की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन, कमाल की कारकर्दगी है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया जाए। तो मैं चाहती हूं कि ऐवान, जिसे ना तो कानून साजी का इख्तियार है, वो इस बात पर गौर करे कि ये क्या गैर मोई ताकतें हैं, ये क्या माफूकुल फितर कुवतें हैं जिसके जरिए इमरान साहब ने इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। तो जनाब स्पीकर, इस तरफ बैठे मेम्बरान और इस अतराफ बैठे मेम्बरान इस बात पर गौर करें, ढूंढें उस मुस्तकिल वजीर, मुशीर और मावने खसूसी को जिसके जरिए इमरान साहब ने नवाज शरीफ के तरक्की करते 5.8% की तरक्की को पहले साल 1.9% और फिर -0.4% पे किया, जो 1952 के बाद मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह है। तो जनाब स्पीकर, 16 जून को बजट की कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद, और जहां इस ऐवान में तकरीर करो तो वजीर बनफ्सो नफीस ठुकाई करते हैं, ये बजट की किताबें सर पे पढ़ने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नजर से देखा और वो मैं आज ऐवान में बताना चाहती हूं। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये ना तो फ्लॉप फिल्मों की तरह रोज उतर जाने वाली काबीना का कमाल है, ना ये 4 दफा वजीर खजाना जो बदले गए ये उसका कमाल है। ये किसी मुशीर, किसी वजीर का कमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई शोभा ऐसा नहीं है जिसका खून चूसा ना गया हो। ये खून चूस बजट है। कोई शोभा ऐसा नहीं जिसकी लागर हड्डियों को निचोड़ा ना गया हो। यह हड्डी तोड़ बजट है। और जनाब स्पीकर, ये किताबें खाने के बाद मुझे पता चला है ये जकूटा जिन बजट है। ये किसी वजीर, किसी मुशीर का काम नहीं, ये कमाल की कारकर्दगी उस जकूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है, जो कहता है मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं। और जिसकी कारकर्दगी की वजह से आज दुनिया की दूसरी बड़ी तादाद 22 बिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे, ये उसकी कारकर्दगी है कि पाकिस्तान में आज बेरोजगारी की सतह 15% मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सतह है। ये उस जकूटा जिन का कमाल है कि जिसने सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बिलों पर 10 बिलियन का टैक्स लगा दिया। ये उस जकूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर, जिसने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और बच्चों के दूध दही मक्खन पर 17% टैक्स लग गया जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, जकूटा जिन ने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और पेट्रोल के ऊपर 610 बिलियन की लेवी लग गई और पेट्रोल बजट के दूसरे दिन महंगा हो गया। जनाब स्पीकर, ये जकूटा जिन खाली बजट नहीं बनाता, ये सहाफियों पर दिन दिहाड़े गोलियां बरसाता है, ये सहाफियों पर हमला करता है, ये सेंसर करता है, ये पार्लियामेंट पर हमला करता है। और जनाब स्पीकर, इमरान खान का ये जकूटा जिन मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूं, आज मैं ऐवान में ये रिकॉर्ड पर बात रखना चाहती हूं। बिल्कुल सही कहते हैं, इमरान खान साहब ना नालायक हैं, ना नाअहल हैं, ना करप्ट हैं, ना झूठे हैं, ना चोर हैं, ना वो यू टर्न लेते हैं। ये सब शोबे, ये तमाम पोर्टफोलियोज उन्होंने जकूटा जिन के हवाले किए हुए हैं। और ये जकूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से जकात के पैसे खा गया जनाब स्पीकर। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं, नाअहल नहीं, ये सब जकूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर। और अभी अभी रिंग रोड के 6 अरब खाने थे, इमरान साहब ने कहा अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए बहुत से मंसूबे बाकी हैं, हथौला रखें जरा। और जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब के पास जहां जकूटा जिन है जिसने तमाम महकमात का बेड़ा गरक कर दिया है, उसी तरह एक और जिन है
जिसने निजाम को मफलूज करके रख दिया है, और उस जकजिन का नाम है अना का जिन। आज 2 साल 10 माह 7 दिन में ये वो अना है जो इमरान साहब को और इमरान और पाकिस्तान के निजाम को मफलूज करके रख दिया है। इमरान खान साहब ने कहा था, मैं चेहरे नहीं बदलता, मैं निजाम बदलूंगा। निजाम की ईंट से ईंट बजा दी है। आज 2 साल 10 माह 7 दिन गुजर जाने के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन चेयरमैन नहीं लग सका, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका, इलेक्शन कमीशन 2 साल अधूरा रहा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन नहीं लग सका। और ये कौन सी कमी है, ये कौन सी नालायकी है? ये कोई कमी और नालायकी नहीं, ये इमरान साहब की अना है। ये वो अना का जिन है जो शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करने देता ताकि इन कमीशन के ऊपर चेयरमैन लगाया जा सके। जनाब स्पीकर, मेरी खत्म होने वाली है जी तकरीर, मुझे पता है कि मेरा टाइम एलोकेटेड कितना है। और जनाब स्पीकर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक निजाम को चलने नहीं देता वो अना का जिन है, और जिसने निजाम को मफलूज करके रख दिया है, जो किसी महकमे को चलने नहीं देता, वो जकूटा जिन है। अना का जिन निजाम नहीं चलने देता, और जकूटा जिन बचे कुचे निजाम की हड्डियां चबा रहा है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, बड़े दावे लगाए गए, बड़ी बातें की गई, कहां गया वो गंदा नाला, कहां गया वो साफ पानी, कहां गया वो आशियाना, किधर गई वो मुल्तान मेट्रो की करप्शन, किधर गई वो डिफिट के पैसों की करप्शन। और हमें अरशद मलिक की वीडियो भी याद है जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे। और आज ऑपोजिशन के तमाम बेंचेस पे जो लोग फ्रंट बेंचेस पे बैठे हैं, ये हैं नवाज शरीफ के सिपाही। इन्होंने एहतसाब की बदबूदार सियासी इंतकाम से की छन्नी से गुजरकर आज शहबाज शरीफ पर जो केस FIA ने डाला है, वो नैब की नाकामी का सबूत है, वो नैब न्याजी की नाकामी का सबूत है। और आज जो केस FIA ने बुलाया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, वो 4 दफा केस इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट हो चुका है। आज भी नैब अदालत के अंदर रेफरेंसेस उसके मौजूद हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि ये अना का जिन सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है, सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है। एक उस वक्त जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगानी होती है, क्योंकि 13,000 अरब का कर्जा तो ले लिया, एक ईंट नहीं लगाई। और दूसरी दफा ये अना का जिन उस वक्त छुट्टी जाता है जिस वक्त नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों को मुल्क की तरक्की के लिए गिरवी रखा जाता है जनाब स्पीकर। तो कहां गई वो करप्शन इन मंसूबों की? ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे, ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे जनाब स्पीकर, किधर गई करप्शन? अगर करप्शन थी तो बंद करते मंसूबे। क्यों आज लाहौर मेट्रो चल रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो चल रही है, मुल्तान मेट्रो चल रही है, बिजली के मंसूबे चल रहे हैं? और हम भूलने नहीं देंगे कि आज जो बिजली पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल कर रही है, जो मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बना गए, इन नालायकों से ना अहलों से वो मंसूबे चलाए नहीं जाते। और आज भी वो बिजली नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली है जिसपे पाकिस्तान चल रहा है। अभी जकूटा जिनको भी छुट्टी नहीं दी जनाब स्पीकर, उसके जिम्मे 2 काम लगाए गए। एक काम लगाया गया है जकूटा जिन के जरिए, जिसने निजाम को तो मफलूज कर रखा है, लेकिन अब वो मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ला रहा है, जिसके जरिए इमरान खान साहब का वो ख्वाब के सुकून सिर्फ कब्र में होता है, वो कब्र का सुकून, वो कब्रिस्तान का सुकून पूरे पाकिस्तान में होगा। ना कोई ट्वीट कर सकेगा, ना कोई लिख सकेगा, ना कोई बोल सकेगा, पूरे मुल्क के अंदर कब्र का सुकून होगा मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है कि 3 साल के अंदर 119 मीटिंग्स इसहाक डार की सरबराही में पूरी ऑपोजिशन के कंसेंसस के साथ इसी पार्लियामेंट ने पास की थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल चोर दरवाजे से लाकर पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं कराया जाता, बुलडोज कराया जाता है। और जिसको यकीन हो कि जकूटा जिन की इस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान की आवाम उसको वोट नहीं देगी, प्लीज वाइंड अप। आपका वोट होगा,
आपका शनाख्ती कार्ड होगा वोट नादरा का डेटा देगा, आपका शनाख्ती कार्ड होगा आपके अंगूठे होंगे वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिपें देंगी। जसका में तो इलेक्शन कमीशन के अमले को उठाया था, इधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिप्स बदलेंगे, क्योंकि अब यकीन है कि आरटीएस तो बैठा था 2018 में बड़ी मेहनत करके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराया गया था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी धांधली की जाएगी जो पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे जिस पे पाकिस्तान की आवाम के वोट पे डाका डाला जाए। जनाब स्पीकर जी, मैं बिल्कुल आखिरी दो मिनट है। और जनाब स्पीकर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मैं ऐवान को ये जरूर बताना चाहती हूं आपके तवस्सुत से कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटे वोट का मसला नहीं है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपने जान से ज्यादा अजीज हैं, हमें उनके हकूक अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी मामला नहीं है, ये असल में उसकी गाब में, उसके झांसे में, इलेक्शन कमीशन से वो आईनी हकूक छीने गए हैं जो आईन उसे देता है, वो आईनी अथॉरिटी छीनी गई है जो पाकिस्तान का आईन उसे देता है, और तमाम पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इलेक्शन कमीशन की उससे छीनकर नादरा को दे दी गई है, क्योंकि इन नालायकों को, ना अहलों को, जकूटा जिनों को पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं देने। और आखिर में जनाब स्पीकर, बिल्कुल आखिर में बात यह है कि मैं कंडेम करना चाहती हूं, और मेरे साथ ये पूरा ऐवान मुझे पता है कंडेम करेगा, इमरान खान साहब की रेप के बारे में जो बयान है। इमरान खान साहब ने उस जहनियत की अकासी की है जिन्होंने रेपिस्ट को इनकरेज किया है, और विक्टिम्स को के माँ बाप जो हर रोज उस तकलीफ से गुजरते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इमरान साहब, क्या जैनब ने छोटे कपड़े पहने हुए थे? इस बात का जवाब आपके पास है? क्या उन मासूम बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादती होती है, क्या वो मासूम बच्चे छोटे कपड़े पहनते हैं और वो टेम्प्ट करते हैं? मर्द रोबोट्स नहीं होते? आपको शर्म आनी चाहिए। और आपका वो बयान कि कश्मीर का मसला हो जाए, कश्मीर का सौदा तो आपने कर दिया, आपका वो बयान कि कश्मीर का सौदा हो जाए तो हमें न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियर डेटरेंस आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की है, ये पाकिस्तान की आवाम की न्यूक्लियर डेटरेंस है, ये जामिन पाकिस्तान की आवाम है इसका। इसलिए आप बराए मेहरबानी, आपकी अहलियत सिर्फ कश्मीर का सौदा करने की थी, इस तरफ ना आए, आपकी मेहरबानी होगी। और आखिर में मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए बात करूंगी कि आपने मुझे वक्त भी दिया और मैंने अपनी बात का भरपूर तरीके से बयान भी की। जाते जाते लाहौर में जो कल ब्लास्ट हुआ है उस पर भी अंदोनाक वाक्य की मैं शदीद मुजम्मत करती हूं, और मैं ये ज़रूर कहती हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो मासूम, वो पुलिस अहलकार जो कल शहीद हुए उनको खराज तहसीन पेश करती हूं, और ऐवान के साथ अपनी पार्टी के बिहाफ पर भी उनको खराज तहसीन। बस ये मैं आखिर में ख़त्म कर रही हूं इस बात के साथ। इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फातिहा ख्वानी भी उनके लिए करा लीजिएगा कलेक्टिवली। इस बात के साथ मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करूंगी, ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते, और जो खून हमने नजर दिया है जमी को, जो खून हमने नजर दिया है जमी को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते, और फूटेगी सुबह अम्न, और फूटेगी सुबह अम्न, लहू रंग ही सही, फूटेगी सुबह अम्न, लहू रंग ही सही, कुछ कोर बातनों की नजर तंग ही सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर सिमी बुखारी साहबा जी।